Thank you so much. Okay, to the point, and I hope you're not going to dodge my questions. But I'm meeting you for the first time after you people lost in Rajasthan. I'm going to first start with what the Prime Minister said yesterday, because that's very topical. Aur unhone parivarvad ki baat ki, dynasty ki baat ki. And I remember, Sachin, when you entered into Lok Sabha in 2004, you were called, I know you don't like that word, but a part of the Baba Lok Brigade. Rahul Gandhi, Jyotiraditya Scindia, Jitin Prasad, and Sachin Pilot. And what was one, and Milind Devra. What was one common thread was that all of them belongs to families of politicians. When the Prime Minister spoke yesterday inside the Lok Sabha, he talked about Parivarvad. He said, Hamari party may be hai, but hum party ko control nahi karte. The Congress may one family controls the party. What do you have to say to that? कल प्रधानमंत्री जी का भाषण था, वो वर्तमान की लोकसभा का अंतिम भाषण था, और हम सब उम्मीद करते थे कि इस भाषण के माध्यम से वो एक संदेश देंगे देश को, दुनिया को, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल पूरा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. लेकिन दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो केंद्रित था ना तो किसानों पर, ना देश पर, ना महिलाओं पर, ना युवाओं पर. वो केंद्रित था कांग्रेस पर, पहली बात. दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कुछ नई बात नहीं बोली. वो अक्सर ही आरोप लगाते हैं, और आरोप लगा लगा के मेरे ख्याल वो भी थोड़े थक गए होंगे, जनता भी सुन सुन के थक गई होगी. लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से. आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी को अपने गिरिबान में झांककर देखना चाहिए कि उनके कितने सांसद विधायक हैं जिनके माता पिता खुद राजनीति में हैं. और मैं उन लोगों में से हूं जो मानता हूं कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जनसेवा करना चाहता है तो उसके पिता, माँ बाप, दादा, नाना, नानी क्या है क्या नहीं, वो उसकी एडवांटेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति अपने दम पर जनता के बीच में जाकर मेहनत कर कर लाखों लोगों का वोट प्राप्त कर कर जनतंत्र में जीत कर आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए. भाजपा दोहरी नीति अपनाती है. उनके अनेकों नाम है, मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, भाजपा के नेताओं के बच्चे राजनीति करते हैं तो वो परिवारवाद नहीं है. कांग्रेस में कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अपने दम पर, तो परिवारवाद की संज्ञा में आता है. मुझे लगता है कि भाजपा और प्रधानमंत्री जी के पास अब मुद्दे बहुत कम हो गए हैं 10 साल के अंदर, क्योंकि चर्चा नहीं कर रहे हैं वो शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, रोजगार की, खाद की, बीज की, बिजली की, पढ़ाई की, पानी की, पढ़ाई की चर्चा नहीं करनी. सिर्फ कांग्रेस को ही जो उनको चरित्र हनन करने का एक उन्होंने प्रण ले रखा है, और पूरी भाजपा उनकी लाइन को फॉलो करती है. सार्थक ये होता देश के लिए. आज जरूरत क्या है, हम 6% 7% पे ग्रो कर रहे हैं, कोई तीर नहीं चल रहे हैं, पहले भी करते थे. चैलेंज यह है कि हम 10% कैसे पहुंचे, चैलेंज यह है कि नौजवानों को रोजगार कैसे दें, चैलेंज यह है कि जो 2 करोड़ का वादा रोजगार का किया था वो कब पूरा होगा. आप आरोप लगाने में तो सारे दिन प्रधानमंत्री टीवी पे देखते ही, हर चैनल में वो मर्जिया जो बोलते रहे, सब ताली बजाते रहे टेबल बैठ के. लेकिन पूछे कि पेट्रोल डीजल क्यों बिक रहा 100 रुपए लीटर, उनसे पूछे क्यों गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है, और क्यों इस देश में एक तरह का माहौल बना हुआ है कि जहां राजनीति आक्रामक हो गई है, द्वेषपूर्ण हो गई, प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई है, ये स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है. बट सचिन, मैं जब परिवारवाद की बात कर रही थी, आई एम जस्ट गोइंग टू कम बैक टू इट वेरी ब्रीफली बिकॉज़ देयर इज लॉट्स आई वांट टू आस्क यू अबाउट. व्हाट ही वाज सेइंग इज दैट एनीवन, द गांधी फैमिली कंट्रोल ऑन द कांग्रेस पार्टी रिमेन्स इंटैक्ट. आई नो यू आर गोइंग टू से दैट फर्स्ट टाइम वी हैव अ नॉन गांधी, वी हैड इलेक्शंस ऑन एंड सो फोर्थ. But aaj bhi much of the Congress's efforts goes in projecting Rahul Gandhi as that messiah and the one as a Jannayak, to use the words. That's my point to you, my question to you. Second is, can the Congress look behind a Rahul Gandhi? Can a Sachin Pilot, for example, become the face of the Congress party for 2024? Mujhe batao, aap bar bar you're asking the same question. For the last 30 years, nobody from the Gandhi family has become prime minister, chief minister or minister. Today we have Mallikarjun Kharge ji. But they were listen, the power behind the throne. No, let me finish. Okay. Mr. Kharge contested the elections of the Congress president. Shashi Tharoor fought against him. It is an open election. Desh ki har rajdhani mein vote pade. Humne vote dala. Shashi Tharoor ko kuch vote mile. Bahumat Kharge ji ko mila. Wo adhyaksh ban gaye. Main aapse puchna chahta hoon. Bhajpa ke andar Nadda ji adhyaksh kaise bane? Kisne unko nominate kiya? Kahan vote pade? किसने नामांकन भरा? किसी और दल में होता है ऐसा? आप सारे सवाल कांग्रेस से पूछते हो. हमारी पार्टी में चुनाव तो होता है ना, चाहे लेट सही. पिछली बार चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार थी श्रीमती सोनिया गांधी, सबने डायनामिस्ट उनको चुनाव कर लिया.
इस बार वोट पड़े बैलेट पेपर के अंदर, तो एटलीस्ट हम एक गर्व से बोल सकते हैं कि हमारी पार्टी में चुनाव हुआ। राहुल गांधी इस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, ना ही सोनिया गांधी जी हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन जो भी अध्यक्ष कोई पार्टी चुनती है सर्वसम्मति से या मतदान के माध्यम से, उसका रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जो ये फैसिनेशन है और ये ऑब्सेशन है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 10 साल का लंबा कार्यकाल है, एक दशक बीत गया पल्लवी जी, अब समय आ गया, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना। वो दिखाएंगे, दिस गोइंग टू बी अ व्हाइट पेपर, आई एम गोइंग टू कम टू दैट। यू नो लेट्स टॉक अबाउट ईवीएम्स, बिकॉज आप कह रहे हो कि एक ऑब्सेशन हो गया है, आजकल कांग्रेस पार्टी में भी एक ऑब्सेशन हो गया है अबाउट ईवीएम्स। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, व्हेन यू विन इलेक्शंस इन से तेलंगाना देन द ईवीएम्स आर फाइन, व्हेन यू आर लूजिंग इलेक्शंस से मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान देन यू ब्लेम द ईवीएम्स। डू यू अग्री विद योर पार्टी स्टैंड ऑन ईवीएम्स? आई विल मेक अ वेरी क्लियर स्टैंड, द कांग्रेस पार्टी एट द AICC लेवल हैज नॉट टेकन अ व्यू ऑन दिस येट, मेरा इतना मानना है। बट योर लीडर्स, लिसन टू मी, अब मेरी बात सुनो, देश में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी बनती है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द इलेक्शन कमीशन टू क्लियर एनी डाउट दैट इवन वन सिंगल वोटर मे हैव। 54 कंट्रीज हैव गॉन टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड कम बैक टू बैलेट पेपर, ग्लोबली बता रहा हूं आपको। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर किसी मतदाता, किसी संगठन, किसी दल, किसी नेता के मन में, जहन में एक आशंका उठती है कि मुझे इसमें कुछ स्पष्टता और चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, तो ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि उसके डाउट्स को क्लियर करे, पहली बात। क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, इफ द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसेस डज नॉट हैव द सैंक्टिटी एंड द क्रेडिबिलिटी दैट आई हैव ब्लाइंड फेथ इन द प्रोसेस, देन इट्स रिस्की। सो दे मस्ट क्लैरिफाई एनी एंड ऑल डाउट दैट एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, पोलिटिकल पार्टी हैज। एक के पास भी, फॉरगेट बट कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं, अगर एक एक व्यक्ति को भी डाउट है उसके अंदर, क्लियर करना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है मुझे बताइए। बट ईवीएम, द इलेक्शन कमीशन हैज कम आउट विद पीरियोडिकली दोस काइंड ऑफ डेमोंस्ट्रेशन। पल्लवी जी, एक होता है डेमोंस्ट्रेशन, आप सब बैठे हैं, मैं यहाँ पे आपको डब्बे में कुछ करके दिखा दूं, लेकिन एक टेक्निकल जो एक स्पेसिफिक पॉइंट जो उठाए हैं कि वीवीपैट की जो रिसीट आती है, व्हाई कांट वी बी गिवन हैंड इनटू दैट। देखो, जो मन में किसी का डाउट आता है, मैं अगेन, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, ना लगा रहा हूं, और आप सही कह रहे हैं, हम चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, और इतने बड़े 130 करोड़ के मुल्क में अगर एक सेक्शन को कुछ डाउट्स है, उसको क्लियर करने में क्या दिक्कत क्या है, मुझे बताइए। ओके, जो टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, तो मैं राजस्थान के चुनाव पे इसलिए बात करना चाहूंगी। ओके, आई एम सीइंग बिछड़े सभी बारी बारी, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ऑल द पीपल हु वुड सिट पीछे फ्रॉम 2004, एक रो हुआ करता था इन लोकसभा, एंड आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू कवर, and it was very interesting to see Rahul Gandhi, Beachman, all of them used to be around. Today you are the only lone man standing. Do you regret the fact that you stayed back in the Congress party? Some feel that you should have left the Congress when that famous rebellion or non-rebellion took place. What is it there for you in the Congress party? They did not even make you the CM. Palvi ji, aap itni varish patrakar hain, you're such a senior journalist. Everyone is where they want to be. Kisi pe koi, har aadmi ki ichha मर्जी है, विचारधारा ये चाहिए, ये पद चाहिए, ये रास्ते पे जाना है, ये सबकी छूट होती है। आप आज यहां मेरा इंटरव्यू ले रही हैं क्योंकि आपका मन था आने का, किसी ने आपको जबरदस्ती तो नहीं किया होगा। और जहां तक पार्टी छोड़ने की बात है, बुरा मत मानना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत लोग पार्टी छोड़े थे, जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, उमा भारती, कल्याण सिंह, बड़े बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ गए। आप तो जाके नहीं पूछते बीजेपी के लोगों से कि सब पार्टी छोड़ गए थे, पार्टी कौन छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, समुंदर है ये, चुनाव से पहले लोग छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राहुल गांधी टीम तो क्या तोप चल गई भाई, नहीं मन लगा, चले गए दूसरी पार्टी में भाई आप बताओ, जिसका मन नहीं लग रहा, सब स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, चले गए, लेकिन टाइम बताएगा, समय बताएगा कि उनका निर्णय सही था या नहीं था। अंत में जनता जनार्दन है, सब जो बैठे हैं, आप मतदाता हो, और पब्लिक और समय तय करेगा कि उनका निर्णय सही था गलत था। और एक विचारधारा होती है, एक प्रतिबद्धता होती है, ठीक है किसी को नाराजगी हो सकती है कभी कुछ, जिंदगी में सब कुछ हमारी मर्जी से होता नहीं है, और कभी कभी अड़चनें आती हैं, रुकावट आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मन जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसमें अगर आप उसके बाहर जाना चाहते हो तो आपका निर्णय है। और आपने सही कहा, मेरे काफी सारे साथी जिनका नाम आपने लिया, आज वो अलग अलग दलों में चले गए, कोई बीजेपी में, कोई कहीं और है, देखा जाएगा जो जहां रहेगा। आई एम आई
Sorry? Are you in touch with them? Did they even ask you whether we should leave or not? नहीं नहीं मेरे से किसी ने कंसल्ट नहीं किया भाई ना मेरे से मेरी मेरी उन्होंने राय पूछी मैंने जो भी मेरे व्यक्ति हैं मेरे साथ काम करते हैं मैं बोलता हूँ कि 10 साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है लेकिन समय एक सा नहीं रहता है What goes up must come down. We have to be there to fight the good fight. Fight on principles, fight on conviction and fight with confidence. और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो झगड़ा व्यक्तिगत नहीं होता मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़े थे बीजेपी से वो मेरे दुश्मन नहीं है मेरी प्रतिस्पर्धा है मेरे कंपेटिटर है और हमारा झगड़ा क्या है कि हम दोनों में से जनता की बेहतर सेवा कौन कर सकता है हम इस पर डिबेट करते हैं और पब्लिक ने मुझे चुना इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा दुश्मन बन गया जीवन भर के लिए राजनीति में अलग अलग विचारधारा अलग अलग सोच अलग अलग पार्टी बहुत जरूरी है इसीलिए मैं कहता हूं जो भाजपा करना चाहती है विपक्ष को खत्म कर दो समाप्त फुल स्टॉप ये बीजेपी करना चाहती है आप देखिए भारत सरकार की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो विपक्ष के लोगों का चरित्र हनन करने में कोई कसर छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री मंत्री विपक्ष के नेता सांसद विधायक जो भाजपा से विरोध में आ गया उसकी शामत है दूसरी बात और जो भाजपा के पास चला गया वो उसी दिन से वो बिल्कुल पाक साफ और संत महात्मा बन जाता है ये दुनिया भी तो देख रही है इस बात को आपने कहा मेरे कुछ साथी भाजपा में चले गए कहीं और चले गए किसी की इच्छा हो सकती है किसी की मजबूरी हो सकती है किसी का मन बदल गया होगा लेकिन हर व्यक्ति स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए मैं जहां पर हूं मेरी इच्छा से हूं मुझे मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया मेरा हर जगह कहीं ना कहीं मेरी हमारी दो राय भी हो सकती है और आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी मत अलग हो सकता है इसका ये मतलब नहीं है कि हम मैदान छोड़कर कहीं और जाके चले जाएं। तो आप कह रहे हो द वंस हु लेफ्ट द कांग्रेस टू जॉइन द बीजेपी एंड देयर वाज सम कंपल्शन ऑन देम आई डोंट नो आई एम सेइंग दैट व्हाट्स हैपनिंग नाउ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाज फोर्स्ड टू रिजाइन मिनिस्टर्स इन मेनी स्टेट्स आर इन जेल देयर आर मल्टीपल केसेस कोई छूट के आता है जेल बेल लेके उस पे एक और केस डाल देते हैं तो पूरा जो वातावरण है जो एजेंसीज की द फुल पावर ऑफ द स्टेट is there to subjugate the voice of anybody who disagrees with the government of India. But 2014 election was fought on the plank of 2G scam, 4G scam, corruption. एक सेकंड. 2G scam, 4G scam. किसी एक व्यक्ति को आज तक पकड़ाई हुई उसकी कोई जेल गया कुछ साबित हुआ कुछ सिद्ध हुआ इतने सारे स्कैम के नाम लेते थे 172,000 crore कोल स्कैम स्पेक्ट्रम स्कैम 2G स्कैम आज 10 साल हो गए हैं एक सेकंड 10 साल हो गए किसी को आज तक जेल हुई है Politics is also a lot about perception. So, but I'm saying that's wrong. So, you build a negative narrative, you make allegations, you publicly character assassinate all your opponents. In 10 years' time, not a single thing has been proven. Okay, now the BJP is going to do pretty much the same for the 2024 Lok Sabha elections in the sense corruption is going to become the narrative. There's a white paper with the government plans to come out with 10 years of UPA versus 10 years of NDA. You think corruption wale issue pe Congress party and the India front, jo bhi uska bacha hua hai, is going to be on a back foot? आप मुझे बताओ जब दरोगा मैं जज मैं जांच करने वाला मैं चोर करने वाला मेरा मौसेरा भाई तो कौन पकड़ा जाएगा फिर पकड़ कौन रहा है जब जांच ही नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा रिपोर्टिंग ही नहीं होगी तो फिर वही पकड़े जाए 95% जो केस होते हैं आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खुद के आंकड़े हैं 95% केसेस ऑफ ईडी छापे रेड नोटिस 95% विपक्ष के नेताओं पर होते हैं इस देश में संभव है कि जो भाजपा या भाजपा के साथ संबंधित दल नेता हैं वो बिल्कुल ईमानदार साधु भक्त हैं और सारे विपक्ष के लोगों पे आप निकलता कुछ नहीं है छापे डाल दो रेड डाल दो केस कर दो फिर आप कोर्ट कचहरी भागते रहो 10-20 साल तक आपकी दुकान तो बंद कर दी पब्लिक परसेप्शन में गेम ये नहीं है कि जेल में डालना है गेम ये है कि इसका चरित्र हनन कर दो पब्लिक में इसको फंसा के रखो केस लड़ते रहो वकीलों के पास जाते रहो बेल के लिए अप्लाई करते रहो चोरी करिए नहीं कि बात की बात है और ये कहना कि अगर आपने कुछ किया नहीं तो डरते क्यों हो ये जो तर्क देते हैं लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स अब हम सब जानते हैं कि जो एजेंसीज हैं उनका कोर्स कौन तय कर रहा है लेकिन एन लार्जर पॉइंट पल्लवी इट्स नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस और माई सेल्फ और सम अदर पॉलिटिकल पार्टी द पॉइंट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कंट्री इज फार ग्रेटर लार्जर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन वन आइडियोलॉजी वन पार्टी एंड वन गवर्नमेंट Parties will come and go, governments will come and go. This nation is there forever. हमें तो इस देश के जो संस्थाएं देखो 70 साल में 70 years institutions that were developed since independence, successive governments have nourished them. अलग अलग दल के नेता बने प्रधानमंत्री बने सरकारें आई संस्थाओं को अपने पोषित किया है
इट टेक्स अ ग्रेट. आप अपने आसपास देखिए ना, हमारे जहां हम रहते हैं, पल्लवी एक सेकंड लूंगा आपका मैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन देशों के अंदर कमी कहां है? संस्थाएं नहीं है. संस्थाएं होती हैं तो वो पार्टी और नेता के ऊपर रहती हैं. व्हाई अमेरिका वाज एबल टू लिव विद अ ट्रंप प्रेसिडेंसी डिस्पाइट ऑल दैट इट डिड, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस वर स्ट्रांग. द जुडिशरी, द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस वर ओवरपावरिंग. दे डिड नॉट सब्जुगेट एंड सबमिट टू द फैंसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. दैट्स व्हाई डिस्पाइट हिम बीइंग एन एरेटिक लीडर, 4 साल तक वो देश रिपब्लिक मजबूत रही. हमारे आसपास में जो देश हैं, मैं टिप्पणी नहीं करता हूं किसी मुल्क के ऊपर, लेकिन वहां की संस्थाएं कमजोर हैं. कभी फौज आ जाती है, कभी प्रधानमंत्री जेल में डाल देते हैं, कभी कू हो जाता है, कभी कोई दिक्कत आती है. तो 70 साल से जिन लोगों ने देश को आजाद कराया था, दे मेड इंस्टीट्यूशंस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, सो ऑन सो फोर्थ, सो दैट डिस्पाइट द डिफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, द इंस्टीट्यूशंस रिमेन स्ट्रांग. इन एनी हेल्दी डेमोक्रेसी, इट्स नॉट द लीडर्स ऑफ द पार्टी और द मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, इट इज द इंस्टीट्यूशंस दैट सेव द नेशन. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप और मैं नहीं भी रहेंगे, तो एक ऐसा देश छोड़ के जाना चाहिए जहां संस्थाएं महत्वपूर्ण है. अभी क्या हो रहा है, देयर इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू डिस्क्रेडिट एंड हॉलो आउट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री. एंड फॉर आवर रिपब्लिक, फॉर यंग पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, इट्स सो इंपॉर्टेंट टू हैव सम थिंग्स अबव द पोलिटिकल डिफरेंसेज. अब जज टूडे, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड. नो मैटर हु यू आर, यू रिस्पेक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट्स वर्जन. वो भी तो इंसान ही है जो सीजीआई हमारे हैं. Why we believe and have credibility in the Supreme Court judgment? Because we think it's the highest court है, इसके ऊपर कुछ नहीं है. उसकी एक आस्था है लोगों की. जब आस्था को नाश्ता बना लोगे, फिर कुछ बचेगा नहीं. मैं आस्था के बाद थोड़ी बात करूंगी, बिकॉज राम मंदिर भी है, CAA भी है, बट आई वांट टू रियली टॉकिंग अबाउट राजस्थान. आप बहुत बेबाकी से बात कर रहे हो, वेरी फ्रैंक. प्लीज नाउ डोंट, नाउ यू हैव टू बी कैंडिड. डू यू थिंक द फैक्ट दैट यू वर साइडलाइन इन राजस्थान was one of the main reasons, because your performance wasn't too bad, of the Congress party in Rajasthan? Maybe you could have broken this tradition of ki roti padakti rehti hai. Maybe the Congress could have made a comeback, but the face should have changed. Do you feel Ashok Gehlot and your party was unfair to you? Maybe you don't want to talk about your party, but definitely Ashok Gehlot, personal comments on you. No, I think it's time you talk about it. Pallavi ji, raat gayi, baat gayi, ab aap kahan पीछे खोद रही है. राजस्थान अभी भी तो आपकी कर्मभूमि है. बिल्कुल है, रहेगी जीवन भर रहेगी. हाँ. तो फिर वहां तो अशोक गहलोत भी रहेंगे. तो रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए. देखिए ऐसा है, सुनो, आप पत्रकार हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें तड़का, नमक, मिर्च, मसाला लगा के उसको करें. अच्छी बात है. मैं भी 25 साल राजनीति कर रहा हूं, और मेरा किसी भी व्यक्ति से, जब मैंने आपको उदाहरण दिया जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं, मेरी उससे अनबन नहीं है. मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़े हैं, मेरी उनसे अनबन नहीं है. क्यों? मेरे कौन सा उसने मेरी भैंस खोल लिया, मेरा खेत छीन लिया है, मेरा क्या झगड़ा है उनसे? हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में डिबेट, डिस्कशंस एंड एक्सेप्टिंग अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू टॉक मिस्टर ओपन योर डिबेट, डिस्कशन, फाइट्स वर इन द ओपन. नो नो, आप मुझे एक वाक्य बता दीजिए, वन सेंटेंस दैट आई हैव, वन वर्ड दैट आई मे हैव सेड That you think is not appropriate. He said it. अब तो उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछोगे आप? मैं तो अपनी तरफ से, in my entire time when we were in government, we may have had differences, but publicly I have never said anything that is not acceptable. And देखो, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, मैं किसी के लिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता जो मैं खुद के लिए नहीं सुन सकता हूँ. ये एक फॉर्मूला जीवन में रखना चाहिए. ठीक है, we had differences, हम लोग बैठ के हम लोग सॉर्ट आउट किया, we fought together. हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, हम मध्य प्रदेश भी हार गए, छत्तीसगढ़ भी हार गए, राजस्थान भी हार गए. लेकिन मैं मानता था कि राजस्थान में वी हैड अ वेरी गुड चांस, क्योंकि 30 साल से वहां पे 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी सरकार बनती थी. इस बार हमने बहुत एफर्ट किया, और मुझे खेद है, मुझे दुख है, वहां सरकार नहीं बना पाए. कुछ और हम करते तो हो सकता है हम सरकार कुछ बना और क्या था? अब देखो, अब हारने नहीं, देखिए हारने के बाद क्या होता है, एवरीबडी बिकम्स वेरी वाइज. लेकिन आई बिलीव दैट हम कुछ और अगर टिकटम परिवर्तन करते, जो सिटिंग हमारे विधायक गण थे, हो सकता है वहां लोगों की नाराजगी ज्यादा थी. उदाहरण के तौर पर, हमारे यहाँ 25 मंत्री जो चुनाव लड़े, उसमें से 17-18 हार गए. तो अगर हम टिकट थोड़ा बदलते, थोड़ा बदलाव करते, तो शायद मैं समझता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर आती. लेकिन आपने मुझे कहा कि आपकी अनबन थी इसलिए हम 270 पे रह गए. ये 2018 की बात, 2023 की बात कर रहे हैं आप. लेकिन 2013 में जब चुनाव हुए, तब तो मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं था, तब 200 में सिर्फ 20 पे आए थे हम.
तब तो आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब तो ब्लेम तो मैं अभी भी आपको नहीं कर रही हूं। आप कर रहे थे इशारे में कर रहे थे। अशोक गहलोत थे, सो द कॉमन फैक्टर वाज अशोक गहलोत। डू यू थिंक दैट फैक्टर नीड्स टू बी चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन? अब नेक्स्ट इलेक्शन है 5 साल के बाद, अभी क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन किसी के साथ कोई अनबन व्यक्तिगत नहीं होती। मुझे लगा था कि हम लोगों को कुछ कोर्स करेक्शन करना चाहिए, कुछ ऐसे इश्यूज थे जो पब्लिक इश्यूज थे। मैं विपक्ष में हूं, मैं एक मुद्दे पर स्टैंड ले रहा हूं, कल सरकार बन गई, मैं स्टैंड बदल दूं? मेरी भी तो एक क्रेडिबिलिटी है, मैं भी तो पब्लिक के इश्यूज को टेकअप कर रहा हूं। अगर एग्जाम लीक हो रहा है या बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही है, युवाओं के इश्यूज हैं, मेरे पार्टी वर्कर्स, हमारी कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने 5 साल तक लाठियां खाई, जेलों में गए, खून पसीना बहाया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, भूगड़ताल की, परिक्रमाएं करी, पदयात्राएं करी, एक माहौल बना के सरकार में हम पार्टी को लेकर आए। एंड पार्टी से सरकार बनती है, सरकार से पार्टियां नहीं बनती। तो पार्टी में काम करने वाले जो पार्टी के वर्कर हैं, जिन्होंने सब कुछ सहन किया, खून पसीना बहा, उन लोगों को अगर मान सम्मान देके उनको एक स्टेक होल्डरशिप उनको प्रूव करें कि आप सरकार में आपको पद नहीं मिलेगा लेकिन आपकी शेयर रहेगी, आपका मान सम्मान रहेगा, वो ऊर्जा जो हमारे बूथ वर्कर की है वही तो चुनाव जिताती है। तो हम चाहते थे उनको ज्यादा हम सम्मान देके आगे लेकर आते, कुछ इश्यूज पे हमने काम भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पूरा नहीं हुआ और हम सरकार नहीं बना पाए, उसका खेद मुझे है। Okay, before I move on to other quick issues, I want a quick reaction from you. You're talking about paper leak, and I know that was one issue you made it very strong. And lots of young people over here, so I'm sure many of them have been something, they're aware of it. Today, the government is tabling a bill on paper leak and with stringent punishment. And I did speak to Shanti Dhariwal, who's the MLA from Kota, from your party itself, maximum coaching centers, Coca factory ka naam to aap log ne suna hi hoga. You support the idea of this paper leak bill? At the center, which is bringing it? Okay, and you think it's going to change? Of course, I think it's a step in the right direction. But I've always said this, Pallavi, it is not the severity of law, it is the surety of law. Kanun to bahut bane hamare desh mein bane hai. Aur kanun kitna severe hai, wo deterrent nahi hota. Kanun ki surety kya hai? Kai deshon mein aap lal bati jump karenge to unko pata hai ki license cancel hoga, jurmana lagega, disqualify. कई देशों में मालूम है कि लाल बत्ती जम भी कर देंगे तो अपन निकल जाएंगे। तो कानून वही होता है, इट इज द श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट, नॉट द सिवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट, दैट इज डिटरेंट। फर्स्ट, हमारे राजस्थान में आई मस्ट इन्फॉर्म यू, जब मैंने इशू टेकअप किया था तो हमारी सरकार ने एक बिल बनाया, उस बिल में पेपर लीक में जो अगर कोई पकड़ा जाएगा उसकी सजा हमने उम्र कैद तक कर दी थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, विच इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। बट आई कीप सेइंग कानून बनाना आसान है, उसको इन्फोर्स करना दैट इज द चैलेंज। अगर वो हम लोग कर पाएंगे तभी इस पर हम कामयाब हो सकते। Okay, now let's talk about Ram Mandir. Let's talk about CA Ram Mandir. I know your party stand on this. They've decided to skip the Pran Pratishtha. But then a few days back, I saw a picture of Rahul Gandhi at a temple in Jharkhand. Ab aap keh rahe ho ki religion aur politics ko alag rakhna hai. We don't want to mix it. We are not the BJP. What was this then? The cameras went there, the party flaunted it and called him a pure Shiv Bhakt. Ye bhi to aap politics aur religion ko mix kar rahe ho. Aap to itni prasiddh, itni gyani patrakar hain. आप सिर्फ फोटो देख के पूरा नहीं समझ सकते कहानी को। अरे मैं गई भी हूं राहुल गांधी के साथ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम सब देखो, ये देश एक धार्मिक देश है पल्लवी जी, और किसी धर्म की पालना करना बड़े फख्र से करना चाहिए। मैं पारसी हूं, सिख हूं, मुसलमान हूं, हिंदू हूं, मेरी इच्छा है। और कौन किस धर्म की पालना करेगा ये जिस घर में आप पैदा होंगे उसे डिपेंड करता है। लेकिन धर्म की पालना करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, ये हमारा अधिकार है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम जो शासक हैं, जो जो जिनको देश को चलाए, जो स्टेट है, दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम रिलीजन। व्यक्ति की ये आस्था है, मेरी आस्था, मैं किस भगवान की पूजा करता हूं, कब व्रत रखता हूं, कब भजन करता हूं, किस मंदिर में जाता हूं, क्या करता हूं, ये मेरे अंदर का मामला है। दैट्स नॉट इफेक्ट द गवर्नेंस दैट वन इज एंटाइटेड as elected representative. तो सरकार और पोलिटिकल पार्टी जब उसकी आड़ में राजनीतिक फायदा लेने की बात करते हैं, मैं उसको गलत मानता हूं। बाकी इस देश में हर एक को छूट है, लेकिन मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या बोलूंगा, किसकी पूजा करूंगा, कब करूंगा, ये डिसाइड करने वाला कौन हो सकता है? मैं उस मंदिर में तब जाऊंगा जब आप मुझे न्योता देंगे? नहीं, नहीं, ये गलत बात। आई डिसएग्री विद यू ऑन दिस, बिकॉज मैं आपको पता है मैं कांग्रेस भी कवर करती हूँ, एंड देन आई रियलाइज दैट इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस, बिफोर यूपी इलेक्शंस, राहुल गांधी वुड गो टू द टेंपल्स। ही वुड, पहले तो नहीं जाते थे इतना। दूसरी बात यह है कि एट अ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस द कांग्रेस सेज ही जनेऊधारी ब्राह्मण शिव भक्त है।
क्यों कांग्रेस को भी ये करना है? आप मुझसे आप मुझसे पूछोगे आई विल आंसर योर क्वेश्चन आप मुझसे पूछो कि आप किसकी पूजा करते हो मैं आपको आंसर कर दूंगा लेकिन मैं शॉर्ट पॉइंट बताना चाहता हूं तो नहीं मैं आपको आपने कहा राम मंदिर बना सबको खुशी इस बात की कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना और इट हैपेंड विद द जुडिशियल अप्रूवल ताकि देश में कोई तनाव नहीं रहा किसी को बुरा लगने की इसमें कोई इशू नहीं रहा क्योंकि ये कानून का एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था लेकिन उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में इनवाइट कौन करेगा और कितनों को करेगा मैं उसको गलत मानता हूं क्योंकि आप अगर इनवाइट करें अच्छा आपके 5000 लोग गए थे कौन से 5000 लोग थे वो अभिनेता फिल्म स्टार क्रिकेटर उद्योगपति बड़े बड़े पत्रकार तो हम सब लोग राम भक्त नहीं है क्या हमको तो इनवाइट नहीं आया आप सब नास्तिक हो गए तो अब उस पे आप वर्क करो क्यों नहीं आया उसका आपको और कुछ करना पड़ेगा मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनवाइट कर रहे थे तो मुझे लगता है कि ये इनवाइट करने का जो मैं ठेका नहीं बोलूंगा लेकिन जिम्मेदारी किसने दी है मेरा जब मन कर मैं अयोध्या जाऊंगा 100 बार जाऊंगा मुझे कौन रोकने वाला है लेकिन किसी के कहने पर आप में से इतने लोग आ सकते हैं इतने बजे आएंगे और उस दिन जाएंगे ये बाध्यता क्यों है इन योर पार्टी यू वर वेरी वेरी अनकंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट द टॉप 3 स्किप्ड द प्राण प्रतिष्ठा Some were very vocal about it. Some of them said, this is not going to help us. And then there were Congress-ruled states like Himachal Pradesh. Then there's Telangana, Karnataka. They've come out with their own versions of Ram Mandir that particular day. Pallaviji, everybody is free to take their own decision. No, you're wrong. Everybody in this country, including my party, is free to decide when and how they want to go and worship. Whether Ayodhya or Tirupati or Vaishno Devi is up to them. You can't mandate. And then Abu Jasad, आप 21 को क्यों नहीं गए आप 26 को क्यों गए आपके फलान नेता नहीं गए आप नहीं गए ये व्यक्तिगत निर्णय है अगर हमारे प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जाना चाहता है तो कौन रोक रहा है उसको और कोई नहीं जाना चाहता है, तो कौन फोर्स कर रहा है लेकिन ये डिबेट क्यों बन गया मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को और आप इसको इतना लंबा खींचे जा रही है पता नहीं क्या हो गया एक मंदिर बना है बहुत अच्छा है इतने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और राम कण कण में है राम हमारे अंदर है राम एक ही मंदिर में है क्या इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हो सकता राम नहीं हो तो फिर तो लेकिन आप ये कह रहे हो साहब वो 12 बजे 21 तारीख को आप क्यों नहीं गए तो मैं अब हम सब नाश्ता हो गए डिस्कम्फर्ट इन योर पार्टी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है काहे का डिस्कम्फर्ट है सब डिस्कम्फर्ट आपको रहता है आप गिनती करते रहते हो वो गया वो नहीं गया उसने ट्वीट किया वो फोटो खिंचवा रहे अरे भाई भगवान की पूजा है आस्था का है मैंने कहा ना आस्था होनी चाहिए और इस देश एक धार्मिक देश है इनकी भावनाओं को समझना चाहिए उस पर रोटी नहीं सेकनी चाहिए उसका शोषण नहीं करना चाहिए उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हर आस्था किसी धर्म का हो संविधान में लिखा है और संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है वो कुरान से गीता से और बाकी जो ग्रंथ हैं उन सबसे ऊपर देश का आता है क्योंकि वहां से देश चलता है उसको वो उसको फॉलो करना पड़ेगा और इस देश में छूट हर एक व्यक्ति को है आप किसको पूछते हैं नहीं पूछते हैं आपके ऊपर है लेकिन जो अगर आदमी कोई धार्मिक अपना काम करता है उसको करने देना चाहिए उसको उससे सवाल करना उसको एक बाध्यता में कर देना और ये देश मैंने बार बार कह रहा हूं इट्स फार मोर बिगर एंड इम्पोर्टेंट देन वन सिंगल आइडियोलॉजी और वन पार्टी और वन लीडर वन गवर्नमेंट ओके टू क्विक क्वेश्चंस बिकॉज़ आई नो यू वांट टू स्टार्ट रैपिंग अप सीएए टुडे उत्तराखंड असेंबली इज गोइंग टू पास द यूसीसी नॉट द सीएए द यूसीसी द यूनिफॉर्म सिविल कोड डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद द यूसीसी देखिए यूसीसी का उस स्टेट में आज प्रावधान आ रहा है मैंने बिल नहीं पढ़ा है लेकिन वो स्टेट का है देश के अंदर क्या ये सरकार करना चाहती है अभी हमने भाषण सुने हैं चर्चाएं सुनी हैं आइडिया सुने लेकिन जब तक लिखित का प्रावधान नहीं आएगा तब तक हाउ डू आई नो व्हाट दे आर प्रपोजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई थिंक इट्स एन एजेंडा ऑफ द बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे व्हाट इज फार मोर इम्पोर्टेंट इज टू गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल आज फार्मर्स आर इन डिस्ट्रेस यंग पीपल आर कॉन्शियस ऑफ लैक ऑफ जॉब्स इन दिस कंट्री देर इज हाई इन्फ्लेशन देर इज नाउ इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इट वरीज मी व्हेन आई सी द डिफरेंस बिटवीन अ विलेज एंड अ सिटी The amount of money being generated, the wealth is being handled by limited few people in this country. What is far more important is how the government makes policies for the wealth to percolate down to the bottom of the pyramid. How everybody must have access to good, clean, sanitized healthcare, education, and things that are important for us. I think it's far more important for any government of the day that care about people who are reeling under severe stress. 80 crore logon ko aap muft mein khana de rahe ho. पर आप कह रहे हो $5 trillion इकॉनमी बनेंगे हम विकसित हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है बट थिंक अबाउट द इंक्रीजिंग गैप पर कैपिटा हम लोग क्या कमा रहे हैं पर कैपिटा आर इनकम इज फार लोअर देन एनी कंट्री आवर साइज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट इज टू फोकस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन यूथ पॉलिसीज किसान का बिल आप लेकर आए 3 काले कानून बना दिए वापस आप विड्रॉ कर दिया एंड पल्लवी द बीजेपी हैज सेड हम फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे आई नो फॉर अ फैक्ट मैं किसानों से बहुत संबंधित रहता हूं
किसी किसान की कोई आमदनी डबल नहीं हुई है। खाद, बीज, बिजली, पानी, तेल, इन सबके दाम बढ़ गए हैं। जो आदमी व्यक्ति दो बच्चे पाल रहा है, महीने के कमा रहा है 15,000-20,000 रुपए कमा रहा है, वो बच्चों को पाल नहीं पा रहा है। इट इज इंक्रीजिंग डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्ट्रगल इन दिस हाई इन्फ्लेशन एरिया। सो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दैट। आप यूसीसी सीएस अब 10 साल से सुन रहे हैं हम लोग। आई थिंक द आइडिया इज टू कीप पीपल्स माइंड बिजी इन इमोटिव इश्यूज, कंटेंशियस इश्यूज, सो दैट यू डोंट फोकस ऑन द ब्रास टैक्स इश्यूज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ब्रास टैक्स क्विकली बिफोर वी स्टार्ट रैपिंग अप। द इंडिया फ्रंट कहाँ है? इट वेंट टू बंगाल, ममता बनर्जी सेज नो सीट शेयरिंग, बिहार यू लॉस्ट वन एलाय। ले दे के कहानी इतनी है कि एक हमारे आदरणीय नेता हैं पटने के, बिहार के, उन्होंने 10वीं बार पलटा मारा है। कहानी सिर्फ इतनी है, बाकी तो ये मीडियम हेडलाइन मैनेजमेंट है, इंडिया अलायंस का ये होगा वो होगा। और अब आप सुनो, आप गणित सुनो, जो इंडिया अलायंस के दल हैं 24-25 पार्टीज हैं, उन सब पार्टीज का वोट आप जोड़ लो तो 65% वोट है इस देश में, और एनडीए अलायंस के पार्टीज का वोट जोड़ लो तो 35% है। और मैं बीजेपी का अगर नेता हूं तो मैं तो घबरा जाऊंगा कि यार मैं कितना चला रहा हूं 10 साल से, भाषण दे रहा हूं लंबे लंबे, लेकिन सबका वोट 65% है। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का वोट जोड़ लो तो 2/3 बनता है। शांति पल्लवी जी, उत्तेजित ना हो, चुनाव की डेट मुझे मालूम है कब होगी। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम बहुत पुराने चावल हैं राजनीति में, हमें पता है। लेकिन जो हमारे दल हैं, हमारा गठबंधन स्ट्रांग है। हर स्टेट में थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, किसी रीजनल पार्टी है उसको अपना स्पेस छोड़ने में कितनी दिक्कत होगी, आप कल्पना कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय हित में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हम सब लेकर आएंगे। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी कॉन्फिडेंटली दैट एवरी रीजनल पार्टी इन दिस कंट्री हैज इट्स ओन स्पेस, एवरी चीफ मिनिस्टर हैज होल रोल टू प्ले, बट नेशनली एट अ पैन इंडिया लेवल द ओनली पॉलिटिकल पार्टी दैट कैन टेक ऑन द बीजेपी एट अ नेशनल पैन इंडिया लेवल इज द कांग्रेस पार्टी। सो इंडिया फ्रंट इज अलाइव, इंडिया फ्रंट इज अलाइव, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट सीट नेगोशिएशंस एज वी स्पीक। वेरी सून विल डिसाइड ऑन विच स्टेट हम कहां कितना चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोगों के साथ चर्चा होगी, थोड़ी बहुत पीड़ा तो हर व्यक्ति को होती है ना, आप देने लें, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट में है उसके लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश में एक बेहतर विकल्प पैदा करने के लिए इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत है। बहुत जल्द पूरा मसौदा तैयार होगा, सीट शेयरिंग हम फाइनलाइज कर रहे हैं, और आप कितना भी हमको उकसा लो, हम लोग उकसने वाले नहीं है। हम लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे, इंडिया अलायंस का गठबंधन होगा और हम लोग 1-to-1 फाइट करेंगे, फिर पब्लिक डिसाइड करेगी। अंत में जनता जनार्दन है, ये लोग जो निर्णय लेंगे सरमाथे पर रहेगा, जो भी डिसाइड करेंगे हमको एक्सेप्टेबल। तो बस दो सवाल छोटा छोटा, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहोगे? दूसरी बात, कैन यू एवर बी द फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी? आप ऑलरेडी एम अ फेस, मेरे को पार्टी ने क्या नहीं दिया? प्रधानमंत्री का चेहरा, उसके लिए बहुमत तो है पहले, बाद में बनेंगे ना सीएम पीएम, तो बहुमत तो लेके आए। आप रेस में हो? मैं तो रेस में, पार्टी को जिताने की रेस में। जब हमारे कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ममता बनर्जी ने कहा कि आप पीएम कैंडिडेट बन जाइए, खड़गे साहब ने क्या कहा? किसको बुरा लगता है पीएम कैंडिडेट बनना? खड़गे साहब ने कहा, साहब मैं पद के लिए नहीं भाग रहा हूं, देश को बचाना है, मैं चाहता हूं पहले हम चुनाव जीत जाए, उसके बाद कौन किस पद पर बैठकर देखी जाएगी। तो वो हमारी धारणा कांग्रेस पार्टी की है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का पद तो परोस रहे थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं बनना, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे। तो आप प्रोजेक्ट करते हो कि साहब लालची है, पद के लिए भाग रहे, ऐसा नहीं है। राजनीति जीत के लिए होती है, लेकिन हर व्यक्ति पद के लिए मर रहा है ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको, पार्टी में क्या पद किसको मिलेगा ये निर्णय पार्टी डिसाइड करती है। मुझे काम दिया, मैं दिल्ली में रहा, मैं राजस्थान का अध्यक्ष रहा, मैं जयपुर में रहा, मैं पार्टी में रहा, मैं सरकार में रहा, आज मैं पार्टी का महासचिव हूं, मुझे एक इंपॉर्टेंट सीट की जिम्मेदारी दी है। मेरी जिम्मेदारी आज ये कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर करना है, दैट इज माई टास्क। उसके अलावा मुझे जहां पे आप जानते हैं मैं फौज में हूं, और एक फौजी का दायित्व बनता है जो ऑर्डर मिल गया कदम ताल करते हुए उसको पूरा करना है, तो पूरा करेंगे, जीतेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें लोगों का मन जीतना है, फिर वोट जीतना है, और फिर जनता की सेवा के लिए काम करना है। थैंक यू वेरी मच सचिन, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत टफ बैटल अहेड, बट देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग। कैन वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस, एक दो चार मिनट अगर आप दे पाए, एक दो क्वेश्चन। ही इज रिक्वेस्टिंग फॉर टू क्वेश्चंस ओनली, जल्दी और टू द पॉइंट पूछिएगा, जैसे यहाँ मंच पे पूछा गया। सर, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के सफल कैंपेन के बाद उन्होंने एक न्यू कैंपेन लॉन्च किया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा।
सर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर ढा दिया गया, वो डिस्प्यूटेड प्लेस पर था या नहीं था ये बाद में कोर्ट ने डिसाइड किया, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन आपकी गवर्नमेंट के हाथ में थी। सर उस वक्त पर आप लॉ एंड ऑर्डर में फेल हुए। सेकंड थिंग ये कि आपकी पार्टी ने, आपकी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई, लिब्रहान कमीशन, जिसको 3 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन 17 साल के बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सर इसे जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी उसके सेंटीमेंट्स को भी हर्ट हुआ। एंड सेकंड थिंग 2020 में उसमें से सिर्फ और सिर्फ 32 लोग कन्विक्ट हुए जिन्हें बाद में रिलीज कर दिया गया। सर आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, क्या आपने सचमुच में भारत के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में न्याय किया है? आपने जो सवाल पूछा, ऐसे बहुत से सवाल, इतिहास लंबा है इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का, इसमें बहुत से काम हुए, उस टाइम के मुख्यमंत्री ने क्या एफिडेविट दिया, ये सब अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। और अंतिम निर्णय, क्योंकि 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठकर निर्णय लिया, वो निर्णय सबको स्वीकार है। उन्होंने सब, जो आप आज बात करें, ये सब पक्ष अदालत में रखे गए, सबको सुनने के बाद न्यायपालिका ने निर्णय कर लिया कि सारे तथ्य सुनने के बाद, सारा इतिहास खंगालने के बाद, सारे डॉक्यूमेंटिक एविडेंस देखने के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया। उस निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं। और जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होता, सरकारों का होता है और संविधान का होता है, कोर्ट्स का होता है। कोर्ट का निर्णय था कि वहां भव्य मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बन गया, अब वो मैटर समाप्त हो चुका है। सर हेलो सर, दिस साइड सर, माय नेम इज आदित्य श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। सर मेरा आपसे ये सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद या लेके आप हर पार्टी में, आपने कहा कि बीजेपी में भी है, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, तो जब सर आप पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करते हैं जो अभी हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लेकिन वो जब हैं जब आपके एक लीडर ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो अब आप कह रहे कि एक संवैधानिक चुनाव हमने किया उससे हम हुआ, लेकिन जब आपके एक लीडर ने मना किया तब हुआ, अगर वो मना नहीं करते तो क्या आप परिवारवाद की तरफ फिर दोबारा नहीं जाते? अगर मना नहीं करते तो चुनाव होता, अगर कोई लड़ना चाहता चुनाव लड़ सकता था, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आप पार्टी को कंपेयर कर लीजिए, हमारे यहां पर चुनाव होते हैं, कोई लड़े ना लड़े पूरी प्रक्रिया होती है, बाकी दलों में तो वो उसका बौद्धर तक नहीं करते कि चुनाव होना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी ली कि मेरे नेतृत्व में पार्टी हारी थी, मैं दोबारा अध्यक्ष नहीं बनूंगा। हमें उनकी चॉइस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कौन लोग होते हैं जो पद छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं बनना क्योंकि मेरे नेतृत्व में हारे, वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, अपनी हार को स्वीकार किया, एक पॉलिटिकल जिम्मेदारी ले रहे हैं, मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं मानता हूं। और खड़गे जी नामांकन भरा, और कोई भर सकता था, 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, 4 लड़ सकते थे, मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा केसरी साहब के खिलाफ, शरद पवार जी ने चुनाव लड़ा, 3 लोग लड़े, 1 जीत गया। लेकिन हमारी पार्टी में कम से कम वोट तो होता है ना, चुनाव की प्रक्रिया तो है, वोट तो पड़ते हैं। भाजपा में तो मुझे पता ही नहीं है उनका चुनाव नड्डा जी का कैसे हुआ, उन्होंने कहां से वो पर्ची निकली और कैसे वो अध्यक्ष बन गए, आपको मालूम है कैसे चुनाव हुआ उनका, किसने वोट डाले, किसने हाथ खड़े किए? तो वो हमारी पार्टी में हो रहा है, पूरी स्क्रूटनी में होता है, पल्लवी जैसे पत्रकार पूरे हैंडल से देखते रहते हैं कि कैसी प्रक्रिया हो रही है, कौन कर रहा है। हम ओपनली करते हैं तब भी हम आप हमको सुना रहे हो, और जो करते ही नहीं है उनसे पूछ के देखो, आप आपको जवाब ही नहीं दे पाएंगे वो लोग। ठीक है सर, अभी उन्हीं से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं